गौरचन्द्राय राधिकाय तदाल्य कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदेरये नष्टप्रायेष्व भद्रेष्व नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके नैष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्या प्रभो नित्यानन्दा श्री अद्वैतगदाधरा शिवा साधि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा श्री श्री राधा राज बिहार्य के चरणों में स्कान जोहो में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद के बयालीसवें अध्याय में जिसका नाम है भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में कंस के रंग मंच में धनुष का भंजन भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिसके चार विशेषण हैं, बोलिए मेरे साथ नित्य किशोर नटवर गोपवेशधर गोप वेणुकर ये चार चीजें स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भगवान श्री चेतन महाप्रभु पहचान कराते हैं नित्य किशोर का मतलब सदा पंद्रह साल की उम्र का रहता है नटवर का मतलब जब चलता है तो नृत्य करता हुआ चलता है गोप वेश धर हमेशा गोप के वेश में रहता है और वेणु कर का मतलब हाथ में बांसुरी है यह केवल ग्यारह वर्ष तक वृंदावन में ही लीला करते इनकी लीला साढ़े तीन साल तक गोकुल में वात्सल्य प्रेम के भक्तों को आकर्षण करने के लिए है फिर आके क्षतिग्रा में रमन रेती के पास जहाँ हमारा कृष्ण बलराम मंदिर है वहाँ भी साढ़े तीन साल तक सखाओं के साथ वत्सल लीला करते हैं और गोपाल बनते हैं और फिर साढ़े तीन साल जब नंदगांव में रहते हैं तब माधुर्य लीला अपने साथ लाए हुए गोपी गणों के साथ करते हैं बस ये ग्यारह साल स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीला है फिर ग्यारह साल के बाद मथुरा आते हैं तो फिर वसुदेव कृष्ण आते हैं जो वसुदेव और देवकी के यहाँ कंस के कारागृह में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे वो फिर आगे मथुरा आते हैं और हम अब मथुरा की लीला का श्रवण कर रहे हैं श्री कृष्ण भगवान को बल ग्यारह साल तक कंस पता ही नहीं लगा पाया कि कहा गया वसुदेव का आठवां संतान किसने छुपा के रखा कृष्ण को किसने छुपा के रखा गोपियों ने किसने तो गोपी का एक अर्थ है गोपनीय रखना मतलब छुपा के रखना कृष्ण को ऐसा छुपा के रखा कभी कहती हैं कि मक्खन चुराता है कभी कहते हैं कि हमने बांध दिया इसको तो ऐसे कृष्ण को प्रेम में रखा कि कंस को पता ही नहीं लगा कि ये भगवान है या ये वसुदेव का पुत्र है <coughs> गोपियों के बहुत अर्थ हैं लेकिन एक अर्थ है गोपनीय रखना तो कृष्ण गए क्यों थे मथुरा से को गोकुल गए क्यों थे छुपने के लिए गए थे ना तो गोपियों ने उनको छुपा के रखा अपने प्रेम में अपने हृदय में नारद जी ने आके कंस को कहा कि वसुदेव के जिन दो पुत्रों को जिस वसुदेव के पुत्रों को तुम ढूंढ रहे हो ना वो नंद के घर में है कंस को ये नारद जी ने बताया और फिर आके कृष्ण को कहा वृंदावन में कि अब बहुत हो गया वृंदावन की लीला बहुत मक्खन खा लिया अब वसुदेव और देवकी भी आपके पिता है उनको कारागृह से उधार करना है और आज से चौथे दिन में कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं यह भी नारद जी ने काम किया और फिर आप सुनते आ रहे हैं कि अक्रूर को कंस ने कृष्ण बलराम को धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए बुलाया और उनको मारना चाहता था कैसे भी और अक्रूर जी दोनों भाइयों को लाए और भाई कहां रहे नंद बाबा के जहां डेरा डाला था एक बगीचे में मथुरा के किनारे पे वहां आके रात को रहे अक्रूर ने कहा मेरे घर चलो बोला काका अभी नहीं आएंगे बाद में आएंगे और वहां प्रसाद भी मां यशोदा ने बना के साथ भेजा था वही खाया और दोपहर को मथुरा घूमने के लिए निकले सुंदर मथुरा नगरी का वर्णन है पहला काम क्या किया कंस के रजक को रजक कहते हैं कपड़ा रंगने वाला और कपड़ा धोने वाला रजक उसको कहते हैं वो रजक गधों के ऊपर कपड़ा लाद के ले जा रहा था उसको कहा कपड़े तो हमको भी दीजिए हम तो आए हैं गैया चराते हुए हमारे कपड़े अभी तो गोबर लगा हुआ है मथुरा बड़ा शहर है कुछ चमक पे पहनना चाहते हैं तो उस रजक ने मना कर दिया तो पहला श्री कृष्ण ने मथुरा में आतंक किया हा, क्या किया टेररिज्म ऐसे उल्टा हाथ मारा और उस रजक का गर्दन नीचे गिरा पूरे मथुरा के जितने धोबी थे रजक थे वो मथुरा छोड़ के चले गए कि ये तो हाथ से गर्दन उड़ा देता है वो कपड़े ही वहां छोड़ के चले गए ये धोबी गर्ग संहिता में लिखा है सीता माता के ऊपर आरोप लगाया था कि बाहर रही थी और रामचंद्र ने मर्यादा में कुछ नहीं किया था और भगवान श्री कृष्ण ने उसका हिसाब चुक किया अब कपड़े कंस के तो बहुत बड़े थे उसको अल्टर करना था बच्चों की साइज का तो बहुत सुंदर किसी दर्जी के पास चले गए प्रेमी के पास बोला हमारी साइज के कपड़े बनाओ तो जी रोता हुआ आंखों से आंसू बह रहे थे और कृष्ण की नाप ले रहा था और आभूषण कपड़ों के बना रहा था बोला कल इनका मल युद्ध होगा चाणूर मुष्टिक के साथ ये जो आभूषण सोने चांदी वाले ये तो लगेंगे गिरते फिरते सुंदर भी लगना चाहिए लेकिन श्री कृष्ण को कोई चोट भी नहीं आनी चाहिए बहुत सुंदर और रो भी रहा था और सुंदर वस्त्र आभूषण बना दिए ये वो था दर्जी जिसने रामचंद्र का राज तिलक का कपड़े तैयार किए थे लेकिन राम जी तो चले गए बनवास तब से नाप लेके कपड़े पहनाने की मन में बड़ी अभिलाषा थी आज श्री कृष्ण को कपड़े नाप करके पहना लिए अब कपड़े तो नए हो गए सुधामा के घर में चले गए उसने प्रेम से उनको सुंदर मालाएं भी पहना दी अब नए कपड़े हो गए माला हो गए अब क्या चाहिए अब चाहिए चंदन खुशबू आनी चाहिए आजकल सेंट बोलते है न, हैं ना उसको कहते हैं अंगराग वो चंदन आदि से बनता है ये जो हमारा प्रसंग चल रहा है अब देखिए दर्जी सब भगवान के पक्ष में हो गए क्या हमारे घर गर, गरीबों के घर गर में आता है तो सारे मथुरा के दर्जी ने कहा जय हो श्री कृष्ण भगवान की हम जैसे गरीबों के घर गर में भी आ जाता है फिर माली सब कृष्ण के पक्ष में हो गए अरे हमारे घर में आया हमारी माला पहनी अब आधा शहर तो कृष्ण के पक्ष में हो गया आधा भाग गया लेकिन सबसे ज्यादा समाज में नारी शक्ति होती है तो भगवान ने कहा ऐसा एक लीला करनी चाहिए जिसमें हमको अंगराग भी लग जाना चाहिए और ऐसा मथुरा में न्यूज फैल जाए के कुबड़ी को सुंदरी बना दिया कुबड़ी को और सब स्त्रियां कहती है क्या जरूरत है ब्यूटी पार्लर जाने की इतना सुंदर श्री कृष्ण हाथ लगाने से सुंदर बना देता है तो ये वो प्रसंग है कुबजा का आप में से जो रेगुलर आ रहे हैं वो जानते हैं कि कुब्जा सत्यभामा सत्य भामा का एक विस्तार है जो भूमि शक्ति है और भूमि के ऊपर असुरों का भार के कारण वो टेढ़ी हो गई थी इसी के लिए तो कृष्ण को प्रार्थना करने गए थे कि अवतार लोग क्योंकि धरती के ऊपर भार बढ़ गया है असुरों का तो वो तीन जगह से टेढ़ी थी मुख बहुत सुंदर था लोग उसको कुबड़ी कहते थे लेकिन कृष्ण ने उसको सुंदरी कहा कृष्ण से एक बहुत बड़ी शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी शरीर में भले विकलांत हो लेकिन उसको आदर देना चाहिए निरादर नहीं करना सुंदरी कह दिया तो वो आश्चर्यचकित हो गई कि आज तक हमारे को रोज यहां से गुजरते हैं कोई कहता है बंदरी कोई कहता है कुबड़ी ये पहली बार किसी ने सुंदरी कह दिया उसने मुड़ के देखा तो सुंदर श्री कृष्ण बलराम के संत गो और ग्वाल बाल भी खड़े थे तो भगवान ने उनसे कहा कौन हो कहा जा रही हो क्या कर रही हो तो मैं कंस की अंगराग लगाने वाली बहुत सुंदर मेरे को मेरा लगाया हुआ खुशबू वाला अंगराज कंस को बहुत पसंद है तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या हमको लगाओगी अब भगवान ने जब ऐसे कहा तो उसके मन में क्या आया ये श्लोक बोल रही है कौन बोल रही है आज का श्लोक जो हम पढ़ने जा रहे हैं कौन बोल रही है ये लिखा है वहां शब्द कुब्जा नहीं लिखा है व्यास देव ने लिखा है सैंद्री वाच तीसरा नंबर श्लोक में या दूसरे में सैंद्री शब्द देखो वाचा तीसरे नंबर श्लोक में कल हुआ सहद्री सैंद्री किस किसको कहते हैं आपको सैंद्री नाम शब्द याद आता है जब पांडव अज्ञातवास में थे तो द्रुपति सैंद्री बनी थी विराट की महारानी की मतलब उसकी ब्यूटी पार्लर सैंद्री का मतलब सुंदर बनाने वाली तो सैंद्री कहते हैं जो किसी का श्रृंगार करें सजाए श्रृंगार करे उसको सैंद्री कहते हैं तो व्यास देव ने भी उसको कुबड़ी कुबजा नहीं कहा सैंद्री कहा आदर का नाम लिया है तो ये एक सभ्य समझना चाहिए क्योंकि हमारी भाषा से हमारी पहचान होती है कि हमारा चरित्र कैसा है बोलने से पता लगता सु सैंद्री अब सेंद्री क्या कह रही है जब श्री कृष्ण बलराम ने कहा कि हमको अंगराग लगाओ ये श्लोक पढ़िए चार नंबर श्लोक से आगे हम पढ़ेंगे रूप पेशल माधुर्य हसीतालाप विक्षितई धर्षितात्म ददो संद्रम उभयो अनुलेपनम् रूपपेशलमाधुर्य हसित आलापवीक्षितैः दर्शितात्म ददौ सान्द्रम् उभयोरनुलेपनम् रूप पेशल माधुर्य हसीता लाप वीक्षित दर्शितात्म दद चंद्रम उभयो अनुलेपनम कोई दो इसका पाठ कर लीजिए तो फिर आगे पर रूपपेशल माधौर्य हसितालापवीक्षतैः दर्शितात्मा ददौ सान्द्रम् उभयो अनुलेपनम् रूपपेशल माधौर्या दर्शितात्मा ददौ महन्द्रम् एकमातज रूपपेशल माधुर्य हसितालापवीक्षतैः दर्शितात्म ददौ सान्द्रम् रूप पेशल माधुर्य सह कहती है कि आपका रूप बहुत पेशल है पेशल का मतलब स्पेशल समझ लो वहां से स्पेशल निकलता है पेशल से हाँ यहां से शब्द अंग्रेजी में संस्कृत से आए पेशल का मतलब बहुत आकर्षक चार्मिंग प्रभुपाद ने लिखा चार्मिंग आपका मनोहर चार्मिंग रूप है और माधुर्य इसका मतलब इस सहद्री के मन में माधुर्य भाव का उत्पन्न हुआ कृष्ण की सुंदरता को देखकर माधुर्य भाव का हृदय में माधुर्य भाव आया हसीित भगवान का मुस्कुराना हंसना मुस्कराना जिसमें दांत नहीं दिखे वो मुस्कराना है हसित का मतलब थोड़े से दांत दिखे और आलाप का मतलब बातचीत करना संभाषण करना बोलना और विक्षत ही मतलब कटाक्ष ऐसे आंख भगवान का दृष्टि डालना तो भगवान की सुंदरता का वर्णन है भगवान के बोलचाल की भाषा का वर्णन है और भगवान के कटाक्ष का नजर देखते हैं टेढ़ी नगर से देखते हैं कृष्ण सीधी नजर से देखते ही नहीं है टेढ़ा बहुत टेढ़ा देखते दर्शित का मतलब सेंद्री ने देखा और देखने से आत्मा का यहां अर्थ है मन उसका मन बहुत प्रभावित हो गया दर्शित आत्मा उसको देखा तो हृदय में एक प्रेम का भाव आया तो दिखाया कैसे प्रेम को दे दिया दिल खोलकर जितना था लेप वो क्या किया और दोनों भाइयों को कृष्ण को बलराम को अनुलेपनम उनको अच्छी तरह से लेपन कर दिया तो श्री जी के शिष्य इसका अर्थ लिखते हैं सेंद्री का मन कृष्ण की सुंदरता और मधुरता से उसकी मुस्कान से और उनके कटाक्ष से इतना प्रभावित हो गया कि वो त्रिवर का त्रिवर का मतलब तीन जगह से टेढ़ी वक्र तीन जगह पे थे तीन जगह से टेढ़ी थी दोनों भाई कृष्ण और बलराम को उधारता के साथ चंदन का लेप लगा दिया तात्पर्य में लिखिए विष्णु पुराण में इस लीला का वर्णन है श्रुत्वातमा आह सा कृष्णम श्रुत्वातम तम का मतलब उस कुब ने श्रुत्वा का मतलब सुना किसको सुना श्री कृष्ण को सुना क्या कहा कृष्ण ने सुंदरी हमको चंदन लगाओगी द्रम अनुलेपन प्रदो गात्रम अथ ओभ वो बड़ी प्रभावित हुई उन्हें कहा ले लीजिए कृपया प्रिया ले लीजिए और दोनों भाइयों को अच्छी तरह से चंदन लगाया चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कुबजा श्री कृष्ण के सौंदर्य से प्रभावित हो गई उसके रूप से उसके पेसल से पेसल को कहा है बहुत ही दक्षता से जो हाव भाव से हाव भाव स्किलफुल एक्शंस पेसल का अर्थ है स्किलफुल एक्शंस इसका मतलब हाव भाव मधुरता और दोनों भाइयों को चंदन दे दिया शिलजीवा गोस्वामी लिखते हैं कुबजा कृष्ण की स्वाभाविक सुंदरता से आकर्षित हो गई कुबजा श्री कृष्ण की स्वाभाविक सुंदरता से नेचुरल अट्रैक्टिवनेस माधुर्य आकर्षित हो गई एक श्लोक उन्होंने दसम स्कंद के जीव गोस्वामी ने तेरे अध्याय तेरा अध्याय से लिखा है कि सभी लोग ब्रज में कृष्ण में आकर्षित स्वभाव से से अब जो भी ब्रज में भक्त भगवान के साथ आए थे उनके लिए एक विशेष शब्द है राग आत्मिक भक्त जो भगवान के साथ वृंदावन में गोलोक से भक्त आए हैं चाहे माता पिता बड़े गोप गोपियां हो या समान आयु के मित्र हो या राजा रानी के संग गोपियां हो या सेवक रक्तक पत्रक आदि हो ये सब राग आत्मिक भक्त हैं कैसे भक्त हैं इसका मतलब उनका आत्मा ही कृष्ण में आकर्षित है कृष्ण से उनका स्वाभाविक प्रेम है तो ये बात कहते हैं उन सबका कृष्ण से स्वाभाविक प्रमे प्रेम था और यह प्रसंग कौन सा है जिसका श्लोक जीव गोस्वामी ने लिखा है यह प्रसंग है अघासुर के बाद ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी ने क्या काम किया था बछड़े चुराए थे <laughs> तो एक साल हो गया गायों ने दूसरे बछड़ों को जन्म दे दिया परंतु गाय पुराने बछड़े जो बड़े थे उनसे प्रेम से उनकी तरफ भाग रही थी ये ब्रह्मा जी इसको ना ब्रह्मा विमोहन लीला इसके पीछे क्या उद्देश्य था श्री कृष्ण का श्री कृष्ण का सब मुझे कहते हैं मक्खन चुराता है मैं तो ढाई तीन साल का हूं चोरी करता हूं कौन सी बात है बच्चे तो सब चोरी करते हैं हमसे किसी ने कहा कृष्ण मक्खन क्यों चुरा था मैंने उसी से पूछा तुम बच्चे थे कभी टाफी चुराई थी बोला हाँ रुपया छुराया था चाचा के पापा के पापा के जेब से बोला हाँ ये सब बच्चों का स्वभाव होता है चोरी करना उसमें क्या है कोई एक है जिसने चोरी नहीं की है कोई फल चुराया कहीं से कुछ ना कुछ तो चुराया ही है ना तो ये बच्चों का स्वभाव इसमें कौन सी बड़ी बात है लेकिन भगवान ने कहा कोई बात नहीं मैं तो बच्चा हूं चोरी करता हूं आज ऐसी लीला करनी है चार वेद का जानने वाला ब्रह्मा चोर बन जाएगा तो मुझे कौन चोर कहेगा इतने बड़े सृष्टि के रचिता को चोर बना के दिखाता हूं और मैं तो मक्खन चुराता हूं वो तो बछड़े और ग्वाल बाल ही चुरा के जाएगा तो वो तो बड़ा महाचोर हो जाएगा तो मैं चोर तो बनो रहूंगा रहूंगा ही नहीं और दूसरा भगवान की इस लीला में उद्देश्य था सारी गैया कहती है कि दूध तो कृष्ण केवल पंदम गंधा गाय जो अंदर गौशाला है उसका पीता है हमारे को चराता तो प्रेम से हमारा दूध तो कभी नहीं पिया हमको कभी सौभाग्य मिलेगा गायों के वात्सल्य भाव को भगवान ने कहा अब मैं बछड़ा बन जाऊंगा एक साल तक आपका दूध पी के आप सबको धन्य कर दूंगा और बड़ी उम्र की गोपियां कहती थी यशोदा के गोद में खेलता है उसका दूध पीता है हमारा दूध कब पिएगा तो कृष्ण ने एक साल तक ग्वाल बाल बन के सब गोपियों के बालक बन के उनका दूध पिया सबका मनोह वात्सल्य प्रेम का आनंद लिया और सब कुमारियां पांच साल की आयु की लड़कियां और कृष्ण की उम्र चार साल थी जब बछड़े चरा रहे थे पांच साल में तो गैया चराना शुरू कर दिया वो कुमारियां जो थी वो सब चाहती थी कि कृष्ण हमको पति के रूप में मिले तो सांडल्य ऋषि ने घोषणा कर दी कि इस वर्ष में जो अपनी कन्याओं का विवाह गोपों से कराएगा वो सब सौभाव्य सौभाग्यवती रहेंगी, बनेंगी और अटल उनका पति अटल रहेगा तो सारी गोपियों कन्याओं का विवाह उन गोपों से हुआ जो श्री कृष्ण था भाई श्री कृष्ण ही तो गोप बने हुए थे तो सब गोपियों का विवाह किससे हो गया श्री कृष्ण से इसलिए रास लीला में गोप लिखा है किसके साथ भगवान ने लीला की वधवा जिसके साथ ब्रह्मा विमोहन लीला में भगवान ने विवाह किया था वो सब गोप कृष्ण ही तो बने हुए थे तो ये श्लोक लिखा है फिर एक और श्लोक लिखा है भागवत के सवेन्टीन चैप्टर्से त्रेष्व आत्मपक्षे गुणतसो विज विजिगिषया वाच पेश ही समय भृत्यम उद्भव प्राह केशव ये भगवान की जो आलाप शब्द है ना आलाप कैसे बात करते हैं आकर्षित उसके लिए ये श्लोक जीव गोस्वामी ने लिखा है कि जब ये प्रसंग आया द्वारका में एक निमंत्रण आया जरासंध के कारागृह में राजकुमार जो बंदी थे उन्होंने काम को मुक्त कराओ और एक संदेश युधिष्ठिर महाराज के यहां से पांडवों से आया कि हमारे यहां राजसूय यज्ञ हो रहा है तो दो पक्ष हो गए द्वारका में एक तो बलराम जी का पक्ष हो गया हमारा बड़ा शत्रु जरासंध पहले उसको मारना है उसका पहले निमंत्रण आया है तो भगवान ने चुप करके सुन रहे थे फिर मुस्कुराते हुए बहुत लिखा है फाइन वर्ड्स विथ फाइन वर्ड्स एड्रेस्ड विथ फाइन वर्ड्स केशव ने उद्धव की ओर बहुत ही मधुर वाक्य से कहा क्या कहा कि आप बताओ कहां जाना चाहिए उद्धव से सलाह लिया और उद्धव ने सलाह क्या दिया बोला हमारे संबंधी तो है पांडव वहां तो हमको जाना ही चाहिए और राजसूय यज्ञ अगर हो रहा है तो सारे राजाओं को युधिष्ठिर महाराज का अधीन तो होना ही पड़ेगा तो जरासंध को तो मारना ही पड़ेगा तो उस बहाने मार देंगे दोनों काम हो जाएंगे एक जगह जाए रिश्तेदारों के पास तो पहले ही जाना चाहिए ना तो भगवान ने उद्धव के इस परामर्श को मान लिया था तो ये श्लोक यहां लिखा है फिर वही विष्णु पुराण का श्लोक लिखा है जो अभी हमने अभी पढ़ा श्रोतवात्महा सकृष्णम ये श्लोक अब जीवा गोस्वामी लिखा लिखते हैं कि उस सहंद्री ने भगवान श्री कृष्ण के अंगों के ऊपर लेप लगाया किसका इसको क्या कहते हैं क्या बनाती थी सहद्री अंगराग अंग के ऊपर लगाने वाला बहुत सुंदर हाथों पे लगाया उनके पे सब अंगों के ऊपर लगाया उसके पास थोड़ा लेप था परंतु उसने सांद्रम का मतलब सारा ही लगा दिया कुछ नहीं बचाया और ये दोनों भाइयों के लिए और उनके सखाओं के लिए बहुत पर्याप्त था हिवक गोस्वामी लिखते हैं उन्होंने यह सब लगाया उन्हों की माला को ध्यान में रखते हुए कि उसका फूल न गिरे इसका मतलब किसी को चंदन भी लगाते हैं तो उसमें भी दक्षता होनी चाहिए ऐसे नहीं कि आंख के ऊपर इधर थोड़ा थोड़ा कभी इधर चंदन लगाते हैं तो इधर गाल पे आ जाता है इसका मतलब काम जो करना चाहिए वो दक्षता से करना चाहिए लिखा है The was applied without disturbing the ornaments and garlands। अब ये क्या लिखने की जरूरत है जीव गोस्वामी को ये जीव गोस्वामी इसलिए लिखे हैं काम जो भी करो बहुत बड़े विशेष और भगवान का भगवान का श्रृंगार करते हैं लेप लगाते हैं उसमें कितनी सावधानी होनी चाहिए तो ये हमको एक भक्त के सावधानी के लिए लिखा हुआ है अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं हमको आज श्लोक ज्यादा ही पढ़े ततस्ताव अंगरागे न स्वर्णित अत्र शोभिता संभागे शुशुभाते अनुरंजित बोला ये अंगराग में बहुत सुगंधित और आ, हाँ, एनाइंटेड विथ दीज मोस्ट एक्सीलेंट कॉस्मेटिक्स उसके अंदर बहुत सुगंधित चंदन आदि लगा था और वो लगने से बोला कैसा रंग लगाया ये भी देखो कला है कृष्ण को कौन सा रंग लगाया लिखा है उनका जो रंग था उससे मैच वाला रंग लगाया और पीला चंदन लगाया कृष्ण के ऊपर और नीला लगाया बलराम जी के ऊपर इसका मतलब कृष्ण का रंग नीला चंदन पीला किससे मैच किया पीतांबर से मैचिंग भी होती थी पहले कपड़ा कौन सा मास्क कौन से कलर की ये भी ये भी मैच में आ गया सब है ना इसका मतलब वो सेंद्री मैचिंग वाला सारा काम करती थी इसलिए बहुत मशहूर थी कृष्ण पीला पीताम्बर क्यों पहनते हैं वो पीताम्बर कहलाते हैं बलराम जी नीलांबर कहलाते हैं राधा रानी नीलाम्बर ये क्यों जो राधा रानी का रंग है वो भगवान श्री कृष्ण ऊपर पहनते हैं जो कृष्ण का रंग है वो राधा रानी पहनती है वो नीला पहनती है बलराम जी और कृष्ण में भी ऐसा ही प्रेम है ये दोनों ही तो श्री कृष्ण के विस्तार हैं सीधे हाथ की तरफ से बलराम जी निकले और वाम भाग की तरफ से राधा रानी निकली ये दोनों ही कृष्ण साय का ही विस्तार है और दोनों कृष्ण से अनन्य प्रेम करते हैं और दोनों कृष्ण की सेवा करना हमको सिखाते हैं दोनों का मुख्य उद्देश्य है हम जीवों को श्री कृष्ण की सेवा करना सिखाना बलराम जी भी सेवा करना सिखाते हैं और राधा रानी भी सेवा करना सिखाते हैं। और ये दोनों हैं जिनकी कृपा से गुरु अपने शिष्यों को भगवान की सेवा में लगाता है बलराम जी और राधा रानी दोनों की कृपा गुरु जी के माध्यम से हमको सेवा में लगाती है so, गुरु पूजा में क्या पढ़ते हैं श्री गुरु चरण श्री गुरु का मतलब क्या जिसने राधा रानी का आश्रय लिया, लिया श्री जी का आश्रय लिए श्री जी के चरणों का जिसने आश्रय लिया उस गुरु को हम वंदना करते हैं जो श्री जी का प्रतिनिधि है शिल प्रभुपा जी के पिता गौर मोहन रोज पांच दस साधुओं को घर ले जाके प्रेम से भोजन करा के प्रसाद पवा के फिर क्या कहते थे आशीर्वाद दीजिए मेरा बेटा राधा रानी का भक्त बने तो ये दोनों को चक्रवर्ती पाद लिखते जैसे उनका रंग था उसको मैच करने वाला कंट्रास्ट करने वाला चक्रवर्ती पाद की ये भाषा है कृष्ण एंड बलराम अपियर स्प्लेडेड वेन देअर कॉम्प्लेक्शन चेंज सुइटेबल टू देयर मूड्स देयर कॉम्प्लेक्शन चेंज सुइटेबल टू देयर मूड्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ योल येलो एंड ब्लू कलर आइंटमेंट्स एक को पीला लगाया एक को नीला लगाया अब जीव गोस्वामी लिखते हैं कि दोनों को दू वर डेकोरेटेड विथ वेरियस पैटर्न ऑम देयर चीक ये जो हम ठाकुर जी को ना ये यह, यहाँ बनाते हैं डाल्फिन बनाते हैं गोल गोल बनाते हैं ना नियर चेस्ट कुब्जा अब जब कुब्जा लगाने लगी तो भगवान के जो मित्र थे उन्होंने कहा थोड़ा हम भी काम कर लेते हैं इसके ऊपर मौका मिला है तो वो भी उसमें से चंदन उठा के और ऐसे कुछ भगवान के कुछ सुंदर बना अब यह ठाकुर जी को आपने देखा है पता नहीं यहाँ हमारे वृंदावन में तो रोज कुछ ना कुछ भगवान के गालों के ऊपर ऐसे सुंदर चित्र बनते हैं तो लिखा है कि पैटर्न बहुत अद्भुत बनाए वेरियस पैटर्न चीक्स चेस्ट एंड आर्म्स ऑफ द बाय फ्रेंड्स एंड कुब्जा तो कृष्ण को बहुत दोनों को सुंदर बना दिया अब श्लोक छठा पढ़ रहे हैं प्रसन्नो भगवान कुबजाम त्रिवर रुचि करतुम मनस्क्रे दर्शन दा, दर्शने फलम प्रसन्न हो भगवान भगवान प्रसन्न हो गए किससे कुब्जा से अरे भगवान प्रसन्न हो जाए और क्या चाहिए श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए कुब्जा से बहुत प्रसन्न हो गए त्रिवर काम रुचिर आन रुचि आनंद कहते हैं मुख को रुचिर कहते हैं जो बहुत सुंदर है इसका मतलब कुब्जा का मुख बहुत सुंदर था नीचे टेढ़ी थी लेकिन मुख बहुत सुंदर था रुचिर आनन ये सुंदर सुंदरता का सूचक है वो त्रिविर काम के और त्रिव त्रिवकराम तीन जगह से वक्र जिसमें थे उसके सुंदर मुख को और उसकी कला से चंदन लगाने से श्री भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और लिखा है रिजविम भगवान ने कहा अब इसको ये जो अर्जुन शब्द है ना अर्जुन वो रिजु से निकला है और रिजु का मतलब सीधा जैसे अर्जुन पेड़ देखें कैसे होते हैं अर्जुन वृक्ष बिल्कुल सीधा होता है कहीं से टेढ़ा नहीं होता है तो भगवान ने कहा अब इसको रिजविम कर तुम इसको मैं सीधी कर दूंगा ये टेड़ी है ना इसको मैं अब सीधी कर दूंगा रिजविन कर तुम मनस चक्र भगवान ने मन में विचार किया ये मनस चक्र शब्द रास लीला में बांसुरी बनाने, बनाने से पहले भी आता है वहां भी शब्द भगवान है यहां भी शब्द भगवान है ये भगवान कहने का मतलब ये लीला भगवान की है किसी आदमी की नहीं है वहां भी लिखा है भगवान तारात्री उस रात को भगवान ने मनस चक्रे वहां भी शब्द मनस चक्रे इन दोनों चीजों को मिलाकर श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं गोपियां तो शुद्ध माधुर्य की भक्त है और ये प्राय लष्ट इसका जो भाव है प्राय काम का है कुब्जा का भाव काम का है शुद्ध प्रेम का नहीं है प्राय श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं प्राय ऑलमोस्ट लस्ट माधुर्य है परंतु प्रेम वाला नहीं है एक इसमें संदेश कृष्ण ये देना चाह रहे हैं क्योंकि आगे चल के कुब्जा कहेगी मेरे घर चलो और कृष्ण कहेंगे फिर आऊंगा और भगवान ये वचन निभाते हैं और उद्धव के साथ कुब्जा के घर जाते हैं कहते हैं, मथुरा में भगवान ने जब जरासंध को हरा दिया उसके बाद चार भक्तों का हित किया के घर उधव के साथ गए अक्रूर काका के घर कहे और उसको कहा कि आप जाओ कुंती और पांडवों का हस्तनाम पर से मुझे समाचार लाके दो और उद्धव को भेजा जाके नंद बाबा यशोदा और गोपियों को मेरा संदेश देके उनका समाचार लाओ तो इन तीनों भक्तों का हित करने के बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़ के द्वारका जाएंगे तो कुब्जा के घर भगवान जाते हैं संदेश क्या देते हैं गोपियां मैंने आपको कहा आऊंगा ना तो जब कुब्जा को दिया हुआ वचन भी मैं निभाता हूं तो तुम्हारे से दिया हुआ वचन क्यों नहीं निभाऊंगा तो तुम्हारे पास भी आऊंगा यह आश्वासन है भक्तों को कि मैं किसी को जानता ही नहीं हूं एक बार सेवा की चंदन लगाया उसके साथ भी जो मैंने वचन किया वो निभाया तो आपने तो दस साल मुझसे प्रेम किया ग्यारह साल मुझसे प्रेम किया मेरे लिए सब कुछ त्याग अरे सर्वधर्मान्त परित्यज्य इस कक्षा की आप गोपियां हो तो मैं कैसे नहीं आऊंगा आपके पास और भगवान श्री कृष्ण दंडवकर को मारने के बाद वापस वृंदावन आए और सबको अपने साथ अपने धाम ले गए जो वचन दिया था भगवान ने निभाया कर तुम मनस चक्रे भगवान ने भगवान लिखा है प्रसन्न भगवान ये काम करा यह लीला भगवान की है जहां गोवर्धन भगवान उठाते हैं वहां लिखा है भगवान ने गोवर्धन उठाया ये शब्द भगवान लिख के एकदम सबके संदेह का निवारण कर देते हैं व्यासदेव और सुखदेव कि ये भगवान की लीला है ये जन्म च मे दिव्यम एवं यो वे तत्वता तत्व से जानो कि ये भगवान की लीला है इसके ऊपर संदेह मत करो दर्शन दर्शने फलम दर्शन दर्शने फलम का मतलब अभी तत्काल इसको फल देता हूं इसने मुझे चंदन लगाया मैं इसको सुंदरी बना देता हूं मैं इसको सीधी बना देता हूं भगवान ने तत्काल फल देने का मन बना लिया कैसे बनाए अच्छा अब भगवान श्री कृष्ण त्रिविक्र साहेब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने मन में विचार किया कि इस कुबड़ी को मैं सीधी बना दूंगा जिसका मुख बहुत सुंदर है पहले से ही मैं एक बात बहुत बड़ी महत्वपूर्ण तो लिखी है बोला, मुझ मेरे दर्शन के बाद भी कोई भगवान कहते हैं मेरे दर्शन के बाद भी कोई कुबड़ा रह जाए ये मुझे अच्छा नहीं लगता है उसको सुंदर बना देना चाहिए इसका मतलब भगवान के दर्शन के बाद उपरांत दोष कोई नहीं रहना चाहिए भगवान की दृष्टि पड़ जाए तो सारे दोष समाप्त होने चाहिए जीव गोस्वामी लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण उसके साथ बहुत प्रसन्न हुए भगवान ने उसको सीधा बनाने का मन बना लिया दूसरा कारण उसको सीधा बनाने का क्या है कि वो रुचिर आनंद थी उसका मुख बहुत सुंदर था यह भी एक कारण है अरे इतना मुख सुंदर है फिर टेढ़ी क्यों होनी चाहिए इसको तो सीधा ही होनी चाहिए, होना चाहिए ना और तीसरा लिखा है भगवान के दर्शन का तत्काल फल तीन कारण लिखे हैं उसको सुंदर बनाने के पहले तो सेवा कर ली अंगराग लगाया आज्ञा का पालन किया दूसरा उसका मुख सुंदर था और तीसरा भगवान के दर्शन का तो निश्चित रूप से यह फल है ही सातवें श्लोक में लिखा है आक्रमया प्रपदे भगवान ने अपने पांव को के पांव के ऊपर रखे द्वे अंगोलिया उतान पाणीना और दो उंगलियों ऐसे दो उंगलियां ऊपर ऐसे दोनों हाथों के ऐसे उसकी टोड़ी के नीचे रखे द्वे अंग ने उत्तम ना है ऊपर उंगलियां ऊपर उठी हुई परिगृह चुभ के ध्या तुम जहां कुबड़ थी उसको सीधा कर दिया उदनी हा उदनी नमद अच्युत यहां अच्युत का अर्थ एक और लिखा है अच्युत ने यह काम किया उनके पांव को दबाया दोनों अपने पांव से अच्युत ने दो उंगलियां ऊपर से अपने हाथ को उन उनकी ठोरी के नीचे रखा और उसको एकदम सीधा बना लिया जीव गोस्वामी लिखते हैं कृष्ण वॉज स्किलफुल एट एडग्रेसिविंग भगवान श्री कृष्ण की पकड़ जो है उसमें वो विशेष दक्ष थे क्यों सिंस दैट सुइटेबल फॉर इेस्लिंग पैस टाइम अब उनको कल ही तो चाणूर और मुस्तिक के साथ कुश्ती करनी है इसका मतलब उनको दाव पेच अच्छे आते थे कुबड़े को सीधा करना और सीधे को कुबड़ा करना वो जो आएंगे उनको तो कुबड़ा कर देंगे और एक कुबड़ी को सीधा कर दिया तो दाव पेच दोनों लगा सकते थे कुबड़े को सीधा कर सकते सीधे को कुबड़ा कर सकते थे

वॉज फिक्स इन परफॉर्मिंग दि स्पेशल पास टाइम अचुत अचुत का अर्थ लिखा है यहां ही वॉज फिक्स इन परफॉर्मिंग दिस स्पेशल पास टाइम अच्युत यह विशेष लीला करने में वो कभी चूकने वाले नहीं थे अचूत का यहां अर्थ यह एंड दस ही ग्रेटिन स्पेशली प्रगृह सिंस ही कुड हैव डन ऑल ऑफ दिस जस्ट माई डिजायर विदाउट टचिंग अर अरे भगवान को उसको सुंदरी बनाने तो को छूने की क्या जरूरत थी वो तो वो संकल्प करके भी बना सकते थे लेकिन उन्होंने उनको तत्काल सुंदरी बना दी एकदम तत्काल फल दे दिया उसको सुंदरी बना दी सात रजू सात साद सातद समानांग्री समानी भ्रषोणि पयोधरा मुकंद स्पर्शनाद सदयो बमोत्तमा प्रबद्धोत्तमा भगवान मुकुंद के केवल स्पर्श मात्र से वो कुबड़ी तत्काल ही सुंदर नारी बन गई सीधी और अब उसके नितंब और वक्षस्थल बहुत सुंदर लगने लगा इसका मतलब उनकी सुंदरता का वर्णन है भगवान ने उसको मुकंद ने उसको मुकंद का यह बड़ा अच्छा एक मेरे ख्याल में अर्थ लिखा है श्री जीव गोस्वामी पाल लिखते हैं बाय मेकिंग हर हर स्ट्रेट हर लिम्स बिलो हर चेस्ट विच वर डिस स्मॉल नाउ डिवेलप प्रॉपर प्रोपोर्शनल Tada Raju Samangrihi. This is indicated by the description. She had large hips and breasts. Now only that, she become the best among all women. This means that she attained attractiveness correspondingly proportionally, proportionally, proportionally to her physical association with Lord. The main reason was the touch of Lord. Thus pull, pulling her up by the chin was a secondary reason for play. जस्ट बाय वन ऑफ हिज हिज पोर्शन ही कैन गिव फ्रीडम फ्रॉम ऑल फॉल्ट ऑफ संसार एंड टाइप ऑफ लिबरेशन सच इज सारूप्य जस्ट बाय थिंकिंग ऑफ ए पर्सन बाय टचिंग ए पर्सन हाउ मच मोर ही कैन गिव जीव गोस्वामी क्या लिखते हैं भगवान केवल देखते तो भी सुंदरी बन जाती ये तो खेल खेल में उसको हाथ लगाया तो कितना लाभ होगा उसको हाथ लगाने का कितना उसको सौभाग्य मिला सनातन गोस्वामी मुकंद का अर्थ बड़ा अच्छा लिखते हैं आज याद कीजिए कृष्णवाज कृष्णवाज मेक्स हैप्पीनेस मुंह मुंह का मतलब जो सुख दे कौन सा सुख का सुख लिबरेशन का सुख मुक्ति का सुख और फिर लिखा है द इनसिग्निफिकेंट बाय गिविंग हाईएस्ट बिल्स वो मुक्ति के सुख से भी उत्तम सुख देने वाला मुंह कु दू का मतलब सुख और कु का मतलब मुक्ति से भी महान आनंद वो क्या है भक्ति मुक्ति से भी महान भक्ति देने वाला पहले श्लोक में तात्पर्य में एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी भगवान केवल चाहे तो सोचने से के लिए तो सारूप्य मुक्ति देता है भगवान जैसा रूप बना देता है तो फिर हाथ लगाने से उसको इस कितना बड़ा लाभ हुआ होगा कुब्जा को भगवान ने उसका स्पर्श किया कितनी बड़ी बात है तो मुकुंद का यह बड़ा अच्छा अर्थ लिखा है कृष्ण who makes happiness ऑफ of को इन insignificant by giving highest बिल्स the of bhakti और भगवान के स्पर्श से उनको भगवान के स्पर्श से बाय टच शी अटेंड फिजिकल ब्लेसिंग भगवान ने उसको हाथ लगा के आशीर्वाद दिया और मुंह से स्पिरिचुअल आनंद दिया आर ही गेव प्रिंसिपल और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस हैप्पीनेस एंड ये दूसरी माना मुकंद की लिखी है ये सनातन गोस्वामी का इस श्लोक के ऊपर तात्पर्य के हाथ लगाने से शारीरिक आशीर्वाद दिया और उसको आध्यात्मिक सुख दिया मुंह और कु का मतलब संसार का सुख दिया धरती के ऊपर इसलिए उसके मन में विशेष भाव उत्पन्न हुआ केवल सुंदर नहीं हुई उसके लिए कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न हुआ और उसको कोई भी इस सीधा करने की ऑपरेशन में पीड़ा नहीं हुई पट्टा नहीं बांधना पड़ा और वो सुंदरी हो गई मेरे ख्याल में समय हो गया है आठ श्लोक हो गए यहां पूरा कर दे चला है। नवा श्लोक पढ़ते हैं ततो संपना प्राह कितने नाम इस मंत्र में भगवान इन मंत्रों में मुकंद आया है अचुत आया है केशव आया तो नाम कीर्तन हो रहा है इन श्लोकों में भगवान का नाम संकीर्तन हो रहा है जो भगवान ऐसे उधार है कुब्जा को भी सुंदरी बनाते हैं इसका मतलब जीवन में आपको सुंदर बनना है तो हरि नाम संकीर्तन कीजिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम लि लिखा है कि मथुरा में जो पहले यदुवंशी कंस के भय से अन्य प्रांतों में भाग गए थे वो कृष्ण के वापस आने के बाद जब लौट के आए मथुरा में तब कृष्ण को देखने के बाद सब नौजवान हो गए और सब सुंदर हो गए एक दिन बहुत ध्यान से सोचा कि कृष्ण का रंग तो काला है ना उसका ध्यान बहुत तीव्रता से ध्यान करेंगे तो बालों को रंग काला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सफेद बाल काले हो जाएंगे <laughs> एक काले नहीं रहेंगे और जो ध्यान नहीं करेगा उसका मुंह काला होगा बाल काले करने हैं तो कृष्ण का ध्यान करो और मुंह काला करना है तो ध्यान मत करो और ये सुंदरी बन गई कृष्ण के स्पर्श मात्र से भाई जीवन में सब हरा भरा होना चाहते हैं आपको जीवन कैसा चाहिए हरा रंग कैसे बनाता बनता है बताओ हरा रंग कैसे बनता है अरे भाई स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा ना गाव तो ग्रीन कलर कैसे बनता है बोलो नीला और पीला मिलाने से हा नीला और पीला मिलाने से राधा रानी का रंग कैसा है पीला और कृष्ण का रंग कैसा है जिसके जीवन में राधा कृष्ण उसका जीवन हरा भरा बहुत सिंपल है आपको हरा भरा जीवन चाहिए बाल काले चाहिए हरे कृष्णा और सुंदर बनना है तो हरे कृष्ण तथो रूप गुण औदार्य संपना प्राह केशव उत्तरियाम आकृषमती जाया अब कुब्जा ने क्या किया, किया भगवान श्री कृष्ण का औदार्य देखा औदार्य भगवान चेतना महाप्रभु को औदार्य कहते हैं ये गुण में औदार्य है औदार्य का मतलब ये उधार देने के बाद नहीं मांगे कभी भी दे दिया उदार्य का मतलब बहुत बड़ी दिल वाला औदार्य जैसे पापी तापी का उद्धार करने के लिए चेतना महाप्रभु ने उनके गुण दोष को नहीं देखा जगाई माधाई को भी उधार करने में जिनको आनंद आता है उसको औदार्य कहते हैं गुण औदार्य भगवान की सुंदरता और औदार्य को देखकर उस कुब्जा के मन में यहां शब्द क्या है संपना प्राह केशवम केशव को उनने संबोधन किया प्रहा का मतलब संबोधन किया किसको केशव को उतरिया भगवान की जो ओतरी थी ऊपर का जो कंधे के ऊपर रखने का औतरी थी अंतम उसके जो एक ओतरी का अंत का मतलब उसका जो किनारा नीचे था एक उसको पकड़ लिया आकर्ष्य उसको खींचा अरे भगवान के कपड़े को खींचने लगी है? किसी के कंधे के ऊपर कपड़ा हो और उसको पीछे से कोई खेचे और वो भी किस भाव से समयंती मुस्कुराती हुई हृषया हृषया का मतलब उसके मन में हृदय में काम की भावना उत्पन्न हुई अब भगवान ने उसको हाथ लगाया और उसके हृदय में भगवान की प्रति काम की भावना वैसे गोपियों के लिए भी कामाद गोपिया लिखा है लेकिन क्योंकि इस दुनिया में प्रेम का किसी को पता ही नहीं है तो इसलिए उनको काम शब्द से समझाया जाता है कि प्रेम क्या है जब काम ही इतना बलवान है तो प्रेम कितना महान होगा तो कुबजा के हृदय में भगवान के स्पर्श से स्पर्शार्य गुण और सुंदरता से काम का भाव आया और कृष्ण की ओतरी के पीछे से पकड़ के और मुस्कुराते हुए खींचता और खींच के कुछ कहने लगी क्या कहने लगी चलो मेरे घर चलो मेरे घर यही कहा और भगवान क्या उत्तर देंगे वो इसके बाद आएगा श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं Becoming endowed with the greatness of the form and qualities being the best of the woman, she developed desire for him, having attained qualification and become intoxicated and smiled. Another version was Samayan. She spoke Parha with side glances. Vishnu Pran says, Lalitam Praha Prema Garbha Bharalasam. स्पोक प्लेफुली एंड लैंग्वेजली विथ ग्रेट लव इसका मतलब जीव गोस्वामी कहते हैं उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हुआ और मुस्कुराते हुए कृष्ण के कपड़े के कोतरी को पीछे से पकड़ लिया और कहने लगी मुस्कुराती हुई क्या कह रही है एही ही वीर ग्रह्म तक तुम योत्साह व्यो न मिथित चित्ताया प्रसिद्ध पुरुष ऋषभा हे वीर यही वीर वीर शब्द जो है यही आइए आइए वीर ए हीरो यामो मेरे घर आइए आइए मेरे घर चले त्वाम त्यक तुम उत्स, उत्सहे मैं आपको यहां छोड़ के जाने का सोच ही नहीं सकती हूं यह मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती हूं उत्साह का मतलब मैं सहन ही नहीं कर सकती हूं यह अब मुझसे सहन नहीं होगा कि आप मुझसे अलग हो जाएं आप मेरे घर चलिए मैं आपको मेरे घर ले जाऊंगी यहां आप खड़े रहें यह मैं सह नहीं सकती तो या उन मिथित आपने मेरे हृदय में एजिटेशन पैदा कर दी है मेरे हृदय को विचलित कर दिया है चित्तया जिसका चित्त प्रसिद्ध अब प्रसन्न हो जाओ प्रसिद्ध का मतलब प्रसाद दो मेरे ऊपर कृपा करो हे पुरुष ऋषभ हे पुरुषों में श्रेष्ठ मेरे ऊपर कृपा करो मेरे घर चलो अब मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती अरे सरे आम बाजार के बीच में कह रही है और बलराम के सामने कह रही है कृष्ण लज्जित हो रहे हैं और वो तो पल्लू पकड़ के कह रही है चलो मेरे घर मैं अब तुमको तुम तेरी जुदाई सह नहीं सकती क्या निर्लज है आप शिल के शिशु ने चक्रवर्ती पाद के तात्पर्य का भाव लिखा है कि कृष्ण कह रहे हैं आप मेरे को अपने घर भोजन कराने के लिए ले चल रही हो अब कृष्ण ने कहा कि अब लज्जा को कैसे छुपाएं बड़े भाइयों के बीच में गोपू के बीच में ये कह रही है मेरे घर चलो मेरा दिल तुम्हारे ऊपर आ गया है मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती तो भगवान ने थोड़ा सा सामान्य बात तो आपके घर भोजन के लिए बुला रही हो क्या चलो ये तो सभ्य भाषा है तो क्या कहती है मैं आपको छोड़ ही नहीं सकती हूं मैं तो आपके साथ रहना अरे, ये तो राजमार्ग के ऊपर हम खड़े हैं लोग क्या सोचेंगे अरे हंसेंगे लोग हंसेंगे तुम क्या कर रही हो ऐसे मत बोलो अपनी हंसी उड़ाओगे मेरी हंसी उड़ाओगे तो, तो क्या कह रही है कुब्जा मैं अपने आप को रोक नहीं सकती हूं मेरे तो अंदर आग लगी है कहती है, मेरे अंदर आग लगी है मैं रोक नहीं सकती हूं कहती है, मेरा दोष नहीं है तेरा दोष है आग तुमने है, तुमने आग लगाई है मेरा कोई दोष नहीं है इसमें और चक्रवर्ती पांत का अपना प्रपण है दूसरा हो सकता है कि अपने धर्म के पालन करने में सक्षम हो परंतु श्री कृष्ण स्त्रियों के धर्म को नाश करने में आप सबसे ज्यादा दक्ष हो दिखाई ये अधर्स आर इन अपोल्डिंग धर्म बट यू आर एक्सपर्ट इन डिस्ट्रॉइंग धर्म ऑफ वुमेन हे वीर का भाव ये वीर का मतलब है तुम नवयुतियों के धर्म को नाश करने वाले हो तो कृष्ण कहा आपने कहा मेरे घर आओ क्या मुझे भोजन कराओगे नहीं 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 ये मेरा इच्छा नहीं है मैं आपकी जुदाई सह नहीं सकती इसका मतलब भोजन बनाने की इच्छा ही नहीं है भूखा मारेगी क्या अरे घर में ले जाएगी तो भोजन भोजन नहीं बनाती अरे रास्ते के ऊपर सब लोग हंस रहे हैं लोग क्या कहेंगे तुम ऐसे बोल रही हो ऐसे मत बोलो आपने मेरे मन को पागल बना दिया है मेरा दिल चुरा लिया है ये तुम्हारा दोष है मेरा दोष नहीं है वीर के जीव गोस्वामी लिखते हैं वीर शब्द से उनका जो भाव है कौन सा भाव कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव भाव शब्द का मतलब ही प्रेम है वो सूचित होता है वीर शब्द से ये वीर शब्द गोपी गीत में भी है और गोपियां भी कहते हैं वीर तो वीर शब्द बहुत प्रेम का सूचक है दूसरा अर्थ है दूसरा अर्थ अनदर मीनिंग इज ओ कृष्ण कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग माय डिजायर कृष्ण आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते आप मेरे घर आइए मैं आपके बिना आपके संघ से वंचित नहीं होनी चाहती तो भगवान ने कहा तो मैं अपने सब ग्वाल बालों के संघ चलूं क्या नहीं अभी तो हम बहुत हैं कैसे चलेंगे अरे कभी दूसरे दिन आऊंगा मैं यहां रोड पे आपको छोड़ नहीं सकती दोबारा कैसे मैं आपको मिलूंगी कहां रहते हो मुझे क्या पता ये तो अचानक रोड के ऊपर मिल गए ये तो पहली नजर में प्यार हो गया <laughs> <laughs> तो पहली नजर में मिले अब कहा आपको ढूंढूगा आपका घर कहा है मुझे क्या पता तो कृष्ण कहते तो आप बलनाम जी को ले जाओ या किसी मेरे मित्र को ले जाओ ना बोला मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती मैं केवल एकमात्र आपके ऊपर आचरित हूं और कोई नहीं अरे इतना इतना सीना जोरी रोड के ऊपर मत करो कृष्ण कहते इतनी सीना जोरी जहां रोड के ऊपर मत करो इज नॉट प्रॉपर फॉर यू टू शो सच बोल्डनेस हि इतनी सीना जोरी यहां मत करो तो कहती है आपने ही मेरे मन को विचलित किया है ये आपका दोष है इसलिए कृपा करो प्रसिद्ध मुझे स्वीकार करो क्योंकि आप दयालु हो आप इनकार नहीं कर सकते मुझे कोई डर नहीं है सीनाजोरी करने से कहती है आई हैव नो फियर ऑफ बींग बोल्ड मुझे परवाह नहीं है सीनाजोरी की और यहां कारण बताया गया कारण क्या है पुरुष ऋषभ और आप तो पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हो तो आपकी प्रति आकर्षण हो जाने में कौन सा दोष है पुरुष ऋषभ इट्स नॉट प्रॉपर फॉर मी टू गिव अप बेस्ट ऑफ द मैन ऐसा सुंदर मिल जाए तो कौन छोड़ेगा एवं स्त्रिय माना कृष्णो राम से पश्यत मुखम वीक्षा अनुगोपा वाच ऐसे जब कुब्जा ने कृष्ण की ओर प्रेम वाला वार्तालाप किया भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की ओर देखने लगे भैया क्या कह रही है उसके बाद भगवान ने ग्वाल बालों की ओर देखा उसके बाद भगवान हंसे और हंसते हुए कहने लगे इसका मतलब भगवान उस सारी सिचुएशन को मजाक में हाथ से रस में ले जाना चाहते हैं इसमें हास्य रस माधुर्य को बदल रहे हैं हास्य रस में चक्रवर्ती बात लिखते हैं लुकिंग एट बलराम एंड दावर्ड बॉय कृष्ण सेड ओ एल्डर ब्रदर ओ फ्रेंड आर यू आर यूर फेस इज नॉट ब्रिमिंग विथ लाफ्टर आपको हंसी नहीं आ रही है देन डू नॉट लुक अपॉन दूमन तो इसके ऊपर मत देखो हास्य रस हैज कम टू ज्वाइन यू नोइंग दैट यू आर इन द्यूमरस मूड इसका मतलब भगवान अब मजाक समझ के हंस रहे हैं और स्माइलिंग ही कुड मथुरा एक्सपर्ट इन जोकिंग अफेयर इज़ नाउ शोइंग हर नेचर ये मथुरा की स्त्री बड़ा हास्य कर रही है बड़ी दक्ष है इसमें अब अपने स्वभाव को दिखा रही है श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं ऐसे कुब्जा के कृष्ण की ओर काम भाव से आतुर होके व्यवहार करने को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम और सारे ग्वालपाल उनको देख रहे हैं तो कृष्ण ने बलराम जी के मुख को देखा और अपने मित्रों को देखा और जोर जोर से हंसने लगे हरिवंश पुराण में लिखा है बड़े आनंदित हुए कृष्ण और बलराम कुबजा के शब्दों को सुनकर एक दूसरे को ऊपर देखा, एक दूसरे को ऊपर देखा और जोर जोर से हंसने लगे प्रसिद्ध कुबजाया श्रुत विस्तरो और फिर कृष्ण बोलने लगे बहुत स्पष्ट ताकि बलनाम भी सुन सके भगवान श्री कृष्ण कुब्जा को छल रहे थे चीटिंग और दिखा रहे थे कि वो उनसे वायदा कर रहे हैं वचन दे रहे हैं लेकिन उनको छल रहे थे अब मेरे ख्याल में बाकी बारह और तेरह मेरे खाते में आज थे एशियामी ते ग्रह सुब्रो पुनसाम आधि वकृष्णम साधी तार्थो अग्रहा पंथा नाम तम परायणम भगवान ने क्या कहा कुब्जा को कुमी इश, एश्यामी आऊंगा आऊंगा बाद में ते ग्रह तेरे घर सुब्रु जिसके भ्रु बहुत अच्छे है इसलिए सब भ्रुओं को ठीक तरह बनाते हैं और कहीं बनाए ना बनाए इनको रोज चमकाना है, इसको है सुब्रु जिसके भ्रुए बहुत अच्छी होती हैं ये सुंदरता का सूचक है मैं घर आपके घर आऊंगा यहां शुभ भ्रु जिसके सुंदर हैं। बड़े काम के है ना? <laughs> इसको है भागवत में लिखा है ये कमान है और आंख से नजर डालते हैं वो तीर है ये कमान है और ये घायल करते हैं इनका तीर सीधा दिल में जाता है और मूर्छित कर देता है <laughs> ये सुबरू की परिभाषा ये है पुंशम आधी व कृष्णम का मतलब मानव का आधी का मतलब आधी और व्याधि आधी है मन की चिंता व्याधि है शरीर की चिंता मन और शरीर यहां मन की चिंता जो है व्या आधी को मेंटल डिस्ट्रेस विकृष्णम उसको नाच कर देते हैं उसको नाच कर दिया जाएगा साधिता मैं ऐसे करूंगा अर्थ मेरा उद्देश्य यह है अरे क्या ग्रहण मेरा कोई घर ही नहीं है इसका दूसरा अर्थ क्या है अरे मैं विवाही नहीं किया है अभी तक अग, भाई घर जिसका घर किसको कहते हैं जिसकी घर वाली हो नहीं तो घर थोड़ी कहते हैं फिर तो कहते कमरे में रह रहा हूं आप घर में रह रहे हैं के तो घर कहोगे तो घरवाली का पता लगेगा ग्रहणी है तो घर है नहीं तो अग्रहणम अग्रहणम जिसका घर ही नहीं है इसका मतलब घरवाली ही नहीं है मैंने शादी नहीं की और अभी तक कृष्ण ने शादी की नहीं थी मैंने शादी नहीं की शादी तो द्वारका जाके करेंगे अग्रहणाम तो न हम जिनका कोई घर नहीं है पंथा नाम हम तो यात्री है रास्ते पे जा रहे हैं त्वाम प्रयाणम त्वाम आप पर बहुत अच्छी अयनम अयनम शब्द किसको कहते हैं अयनम शब्द कहते हैं रामायण नारायण इसमें अयन है अयन का मतलब घर राम का घर रामायण और नारायण नर नर यम यश नारायण जो जन्म शयन करे नार में उत्तरायण आने वाली है ना अभी जनवरी जन्वर, जनवरी में उत्तरायण इसका एक अर्थ भीषम पितामह के प्राण के वहां लिखा है उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे है ना तो उत्तरायण का एक अर्थ तो है ज्योतिष वाला उत्तरायण कौन सा जब मकर राशि में सूर्य आता है मकर संक्रांति को उत्तरायण कहते इसका मतलब उस दिन से छह महीना अब उत्तरायण होगी जो अच्छा समय है छह महीने का फिर दक्षिणायन आ जाएगी लेकिन भीष्म पितामह क्या इस उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे नहीं एक और उत्तरायण का अर्थ है उत्तरा अयनम यश्य से उत्तरायण उत्तरा के उदर में जिसने प्रवेश करके परीक्षत की रक्षा की वो श्री कृष्ण उत्तरायण है पितामह कौन से उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे श्री कृष्ण उत्तरायण की उत्तरा के उत्तरा उत्तरायनम यस्य जो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षत की रक्षा की थी वो उत्तरायण श्री कृष्ण है उसका इंतजार कर रहे थे भीष्म पितामह और कृष्ण के आने के ऊपर ही उन्होंने प्राण त्यागा ग्यारह श्लोकों में प्रार्थना करते हुए तो यहां अयनम परायनम जिसका घर ना हो और जो यात्री हो और फिर तुम्हारे तरह कोई प्रेम से बुलाए तो इससे अच्छा और उसके मन की चिंता दूर करने का कहां मौका मिलेगा आऊंगा आपके घर आएंगे आपका घर अब भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा और तात्पर्य में प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं अग्रिणम का मतलब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उनका कोई घर नहीं है और दूसरा इसका अर्थ है उन्होंने अभी अब तक विवाह नहीं किया है चक्रवर्ती बात देखते हैं कृष्णा देन स्पोक कन्वेइंग टू कुब्जा दैट ही वाज एक्सेप्टिंग हर उनको स्वीकार कर रहे हैं एंड कन्वेइंग टू बलराम और बलराम को क्या कह रहे हैं और अदर्स दैट ही वाज इवेडिंग वर्ल्डली वुमन अब देखो भगवान के भाषा में दो अर्थ हैं। कुब्जा को आश्वासन दे रहे हैं आऊंगा और बलराम जी और उनको बता रहे हैं अरे ये रास्ते में गले पड़ गई इससे जान छोड़ा रहा हूं आ, शब्द वही है लेकिन अर्थ दो निकल रहे हैं एक जुलूस जा रहा था बाहर मजिस्ट्रेट ने लिख के दिया रोको मत जाने दो क्या लिखा अब जब जलूस वाला लीडर आया उसने कहा ये लिखा है बोला लिखा है ना रोको मत जाने दो रोको मत जाने दो इसका मतलब जाने दो चले गए आया ऑफिसर बोला तुम जाने क्यों दिया लिखा है ना इसके रोको रोको मत जाने दो माना तो दोनों निकल गई ना सिर्फ कामा बदलनी पड़ी कामा को बदल दो तो माना बदल गई ना एक साधु से किसी ने पूछा कहा है भगवान तो बोला लिखो बोर्ड की पे, क्या लिखना है बोला गॉड इज नो वेयर यही लिखा ना अंग्रेजी में भगवान कहीं नहीं है गॉड इज नो वेयर बोला अब ऐसे करो गॉड इज को रहने दो नो वेयर में डब्ल्यू के बाद कामा दे के पढ़ के बताओ W के बाद कामा दो तो क्या होगा गॉड इज नाओ हियर गॉड इज नाओ हियर ये सामने है राधा राज बिहारी वेयर नहीं नाव हियर ये भाषा के दो अर्थ निकलते हैं तो भगवान ने कुब्जा को आश्वासन दिया और बलराम को कहा जान छोड़ा रहे इस मूर्ख से ये संसारी स्त्री से कह ओ ब्यूटीफुल वुमन सुब्रू उसको ऐसा बड़ा सुंदर शब्द कह दिया हाउस टेक्स अवे मेंटल सारोज ऑफ ऑल मैन तुम्हारे घर में सबकी आदि चली जाएगी और, और भगवान क्या कह रहे थे ही स्पोक ऑफ ऑल मैन टू जोक विथ हर उसे हास्य कर रहे थे आफ्टर डूइंग माई वर्क ऑफ किलिंग कंस भगवान कहते कंस को मारने के बाद विल सर्टनली कम टू यूर हाउस में आपके घर आऊंगा और भगवान गए इन दिस वे ही इंडिकेटेड दाइम दैट ही कुड कम यू आर बी सुप्रीम शेल्टर ऑफ ऑल अस अनमेरिड मैन अग्रह के लिए आप अयन हो कृष्णा दो वन पर्सन यूज दिल्यूरल भगवान ने यहां न कहा न का मतलब हम और क्यों कहा ऐसे टू प्रोड्यूस रेस्पेक्ट फॉर हिमसेल्फ एज ए प्रिंस कुब्जा के मन में लगे कि ये राजकुमार है हम लोग कहते हैं, हम आए हैं तुम और आ, सामने वाला बड़ा भी होगा तुम्हारे पास हम आए हैं तो अपने ये और दूसरा इसका अर्थ ये है ना कहने का दूसरा अर्थ क्या है हम तो यात्री हैं इससे वो बताना चाह रहे थे कि मेरा तो अपना घर गोकुल है वहां बहुत गोपियां हैं जो मुझ में आकर्षित हैं परंतु तो यहां मथुरा में तो मुझे कोई नहीं जानता है यात्री कहने के पीछे चक्रवर्ती बात लिखते हैं वी आर बाय दिस ही हिंट्स दैट इन गोकुल हिज ओन विलेज ही हैज मेनी गोपीज नॉट नो एनी वन ओनली शी इज अट्रैक्टेड टू हिम हियर दस ही हिंट्स ही इज अट्रैक्टेड टू हर चक्रवर्ती का भाव है कि ये शब्द जो लिखा है कि हम यात्री है इसका अर्थ है कि वहां तो हमारे पास गोपियां बहुत प्रेम करने वाली है लेकिन यहां में अच्छा है कि कम से कम आप एक ने हमको पसंद किया तो हम आपको भी पसंद करते ये यथाम प्रपद्यंत तथे तुम प्रेम करती हो तो हम भी प्रेम करते हैं इसमें क्या ये तो हमारा भाग भगवत गीता का सिद्धांत है दस ही हिंडस देर ओके ऑन दर हैंड एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ टू बलराम एंड अदर्स अब दूसरा भाव क्या है बलराम और, और गोपू को क्या कर रहे हैं बाई द यूज ऑफ पिल्यूरल न हम यात्री है उसकी निंदा कर रहे हैं कुब जा की निंदा कर रहे हैं बलराम और गोपों के दृष्टि में ये यात्रियों को अपने घर में ले जाती है यह अज्ञानी है यह नीच है यह दुष्ट है छोड़ो इसको चलते हैं श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं भगवान ने अपने हृदय की इच्छे बता, इच्छा बताई कुब्जा को मैं आपके घर आऊंगा न कहने का मतलब है कि हम सब जो सुन रहे हैं इंडिकेटिंग हिमसेल्फ एज वेल एज ऑल दी अदर बॉयज फॉर दिसर टू हर फॉर हर अंडरस्टैंडिंग भगवान ने उनकी इच्छा को स्वीकार किया सनातन गोस्वामी लिखते कृष्ण ने सुबरु क्यों कहा इसका मतलब दिस इंडिकेट हिज डिजायर फॉर हर इसका मतलब भगवान कुब्जा को चाह रहे थे उनके भगवान के हृदय में कुब्जा के प्रति चाहना थी इसलिए सुबरू का आप हम यात्रियों के लिए आश्रय हो इसका अर्थ यह है कि हम अकेले नहीं बलराम और हम सब इससे भगवान अपनी लज्जा के भाव को छुपाना चाह रहे थे मेकिंग ए जनरल स्टेटमेंट ही इज इन दिस वे हाइड हिज ओन भाव आउट ऑफ शायनेस मेकिंग ए जनरल स्टेटमेंट आर हैविंग लेफ्ट आवर होम एंड ट्रेवल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम वी टेक शेल्टर ऑफ यू अब अंतिम आज का श्लोक हमारी सेवा का विसर्ज माधव्याणिया वृजन मार्गे वणिक पथ नानोपायन ताम्बुला सर्ग गंद सागर जो अर्चिता अब कुब्जा की कथा पूरी हुई अब दूसरे जो लोग मथुरा के हैं वो दोनों भाइयों को स्वर्ग का मतलब फूल की मालाएं दे रहे हैं गंध का मतलब उनको चंदन लगा रहे हैं अग्रजो का मतलब बलराम के साथ का मतलब बड़ा भाई के साथ अर्चित है उनकी पूजा कर रहे हैं अब कुब्जा को छोड़ दिया भगवान ने मधुर वचन कह के उसको अभी तो टाल दिया और भगवान श्री कृष्ण आगे रोड के ऊपर चले हैं पथ के ऊपर तो जो वणिक थे इसमें आगे लिखा है ब्राह्मणों ने सत्कार किया फिर वैश्व ने किया क्षत्रियो का वर्णन नहीं है यहां लिखा ऐसे है और जो जो वैश्य थे रास्ते में उन्होंने भगवान की बलराम जी उनके बड़े भाई के साथ पूजा की उनको उपहार दिए मालाएं दी पान दिया तांबुल दिया माला दी और चंदन दिया मधव्या वाणिया भगवान ने मीठे वचनों से कुब्जा को विदा किया और फिर वैश्व ने भगवान का आदर सत्कार किया मर्चेंट हिम विथ वेरियस ऑफरिंग बेडोनर्स गार्लन एंड सेंट्स आर पर्टिकुलरली मेंशन बिकॉज दे वर ऑफर्ड इन अबंडेंस द अब वर मेड ऑफ ज्वेल एंड पर्ल्स मालाएं किसकी बनी हुई थी एक भक्त था हमारा वृंदावन में रोज आके फूल की माला पहनाते हैं थोड़ी देर के बाद कपड़े भी कभी कभी निशान लगता है सूख जाते हैं रसगुल्ले की माला पहना है तो कितना फायदा हो एक एक खा भी सकते हैं दूसरे को खिला भी सकते हैं बेचारे <laughs> माला होनी चाहिए गुलाब जामुन रसगुल्ले की आ? नहीं तो अंजीर की खजूर की <laughs> अब हीरे मोती नहीं मिलते हैं तो ऐसे काम का तो एक जगह अभी हम शादी में गए थे उन्होंने इलाची की माला पहनाई अरे भाई किसी तो काम आई <laughs> <laughs> तो यहां लिखा है कि बड़े हीरे मोतियों की मालाएं थी आ, बहुत सुंदर चंदन आदि लगाया उनकी पूजा की पुपल लिखा है से जीव गोस्वामी लिखते हैं He was worshipped along with ही वॉज वर्शिप अलॉन्ग विथ first worshipped by the Brahmins near the Yamuna at the दमुना of city. इसका मतलब इनका पहले ब्राह्मणों ने आदर किया जमुना के किनारे ए लिटल फर्दर विद इन सिटी देवर नाव वर्शिप्ड बाय वैश पहले ब्राह्मणों ने पूजा की अब वैश्य कर रहे क्षत्रिय जनरली the सेंटर ऑफ द सिटी चिवा गोस्वामी नगर कैसे बनते हैं उसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं ब्राह्मण फिर वैश्य फिर बीच में राजा का महल होता था राजा बीच में सेंटर तो अभी तक क्षत्रियों तक पहुंचे नहीं और राजा तो कंस से उसका तो कल हिसाब किताब होगा तो अभी बाहर से अंदर आ रहे हैं इसलिए क्षत्रियों की पूजा का वर्णन नहीं है सनातन गोस्वामी पाद क्या लिख रहे हैं बस यही बातें लिख रहे हरे कृष्णा थैंक यू वेरी मच हरे कृष्णा एनी क्वेश्चन कमेंट धन्यवाद प्रभु सेवा देने के लिए आपका धन्यवाद सब भक्तों का एनी क्वेश्चन और कमेंट हाँ प्रभु जी एक हाथ उंगली उंगली ऊपर है एक उधर दो बोलिए प्रभु जी आपका क्या प्रश्न है हरे कृष्णा कृपया सब लोग बैठे रहिए खुशखबर है सब लोगों के लिए उसके पहले एक प्रश्न है जिज्ञासा है और उसके उपरांत आप लोगों के लिए खुशखबरी है बहुत बड़ी खुशखबरी है क्या मेरे तोल करेगा कोई भगवत गीता की हाँ 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 वही है ये खुशखबरी है हाँ, अरे खुश्क... पहला एक हो गया है हाँ? पहली एक वो... बार मैंने अभी नहीं इधर नहीं हाँ अभी मैं जहां से आ रहा हूं भीलवाड़ा में आपका कांटा कितना है जरा ध्यान से बोलना हाँ हाँ ढाई गीता चाहिए ढाई गीता ना हाँ तो देखो प्रभु जी आज के उत्सव मूर्ति है और आज प्रभु का हम लोग तुलाभार करने का हमको अवसर मिला है सुनहरा अवसर है तो जो कोई भी भक्त करना चाहता है ये महानुभाव का जो चालीस पैंतालीस साल से प्रभुपात की सेवा करे पूरे एमबीबीएस डिग्री उन्होंने पानी में फेंक दी सिंधु नदी में और यहाँ आकर भागवत धर्म का प्रचार करे भारत वर्ष में ऐसे महाभागवत के ऐसे एक महान प्रचारक का तुलाभार करने का हमको अवसर मिला है और बहुत साइजेबल अमाउंट है ठीक है तो आप लोग उत्साह से एक नहीं कर सकते तो दो तीन लोग मिलके करिए ढाई ढाई गीता एक एक करेगा तो भी हो जाएगा हाँ आप लोग ढाई ढाई गीता मिल के भी खरे थे तुलावार हो जाएगा और आपको पुण्य मिलेगा पहली बार मुझे लग रहा है प्रभु जी आपका शरीर मोटा होने का पहली बार हमको फायदा हो रहा है प्रभुपा नहीं के... नहीं मैं एक दिन ही फायदा होता है वजन बढ़ेगा गीता गीता की तोल में हाँ गीता के तोल में मतलब हम शरीर ने आत्मा ये बात सही है लेकिन जितना आपका शरीर बढ़ेगा उतना प्रोपात की गीता जाएगी ठीक है तो आप सब लोग जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए क्लास के तुरंत उपरांत प्रभु जी उधर आने वाले क्लास के के बाद खिला पिला के दो किलो बढ़ेगा <laughs> तो, <laughs> नहीं हमने वैसा निश्चय किया जो लोग भूखे बैठते उसमें तो गीता के रेट थोड़ा बढ़ा देते मतलब क्या थोड़ा ज्यादा गीता है चार पाँच कृष्ण डाली देते इसके बाद होगा आपका क्या प्रश्न है प्रभु जी तो सब लोग तैयार हो जाए तुला भार के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा माय नेम इज निमाय इ क्या नाम निमाय कॉर्मोकर निमाय गौर या बोलिए प्रभु जी आई आई कम फ्रॉम मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया अस्त्रालय उसका नाम है पुराना अस्त्रालय पांडवों के अस्त्र शस्त्र वहां रखते थे वो अस्त्रालय से ऑस्ट्रेलिया हो गया हाँ So as you are saying that um, the nowhere God is nowhere God is nowhere. Yes, yeah, and then if you convert to now here, so this duality of <coughs> I see that not only one instances many instances uh, goswamis they have explained Sri Krishna Villa in either positive way or negative way. Is it the reason that Krishna is absolute and non-differential? That's why we can define in both ways. What is the, can you explain that? Usually, you understand my my point, yeah, right? Usually just see Drishti versus Srishti. It says as you have vision, you will have that. You see the things as you have a vision. So once the Duryodhan was asked by Dur Dronacharya, go and find out the good man in the whole city. By the evening he came, there is no good man at all. <clears throat> in the same city, Yudhishthira was asked to go and find out a wrong man in the whole city. Till evening he was watching and he came in the evening said, there is no bad man at all in the city. Now same city, Duryodhan saw no good men and Yudhishthira saw no bad men. Why? Because Yudhishthira only see the good in the people and every people has something good. And Duryodhana only see the bad and every people has something bad. So it is our good and bad which we impose on Krishna. Krishna is all good and all good. Prabhupada says Krishna is all good. But whatever good or bad we have that we impose on Krishna. So it is better that we should have a good association, only see the good aspect of Krishna's pastime.

शास्त्र की वाणी को एज इट इज वी हैव टू एक्सेप्ट फिर भी अच्छे आदमी अच्छी चीज ढूंढेंगे बुरे आदमी बुरी चीज ढूंढेंगे एक ही चीज है दे कैन ओनली सी वट दे वॉन्ट टू ग्लास आधा है या आधा भरा है या आधा खाली है बोथ हैव ए डिफरेंट विजन आधा खाली पड़ा है अरे आधा भरा है वो देखो ना सो वी हैव टू बी ऑलवेज थिंकिंग

कृष्ण के संपर्क से या फिर भक्ति करने से तो कुब्जा के तो प्रसंग में पहले कुब्जा को तो कुछ भी भाव नहीं था सेवा के भाव था तो सेवा की भावना के बाद में काम आ गया उल्टा हो गया ये तो तो इसको कैसे समझे कुब्जा ने सेवा की और सेवा के बाद उसके मन में लिखा तो प्रेम है प्राय काम करके रूप <laughs> असल में भगवान श्री कृष्ण है जिसने कुब्जा के हृदय में ये भाव उत्पन्न किया लिखा है कृष्ण के सुंदर तुम्हारा दोष है तुम हो ही ऐसे किसी के स्त्री के धर्म को नाश करने में सबसे दक्ष हो इसका मतलब कृष्ण हैज क्रिएटेड है दिस भाव इन द हार्ट ऑफ कुब्जा। कुब्जा के दिल में ये भाव कृष्ण ने उत्पन्न किया ये कृष्ण ने उत्पन्न किया कुब्जा नहीं अपने आप कर सकती क्यों किया मैंने आपको उदाहरण दिया था कि गोपियों को आश्वासन देने के लिए कि जब कुब्जा को दिया हुआ वचन पूरा करता हूं तो आपको दिया हुआ वचन कैसे नहीं पूरा करूंगा इसको कहते हैं कैमुतिक न्याय ऐसे लिखा है कि जब पूतना को दूध पिलाने से विष लगाए उसको मां का स्थान दे दिया तो यशोदा को कृष्ण क्या देगा जो प्रेम से दूध पिलाती थी न्याय ये है जब कुब्जा को मां का स्थान देगा तो यशो जब कुब्जा को भी आश्वासन दे, दे रहा है तो गोपियों को क्या देगा जो प्रेम कर रही हैं ये इन दोनों को कंट्रास्ट दिखाने के लिए और ये कृष्ण ने उत्पन्न किया है उनके हृदय में काम गुब्जा के हृदय में काम नहीं है। कृष्ण ने उत्पन्न किया सेवा से प्रेम उत्पन्न होता है ये तो नॉर्मल है हम सेवा करेंगे तब प्रेम होगा उसने सेवा की और प्रेम उत्पन्न हो गया जो काम जैसा दिखता है लेकिन भगवान अकेले नहीं गए थे उद्धव के साथ गए थे इसलिए काम नहीं है और वहां उसने बड़ा आदर किया भगवान का लेकिन भगवान में काम है ही नहीं भगवान में प्रेम है इसलिए आप काम से भी भगवान के पास जाओगे तो वो प्रेम में परिवर्तित हो जाओगे क्यों वहां काम है ही नहीं ये सीधी सी बात है कि वो भगवान के पास काम है ही नहीं केवल प्रेम है आप काम के भाव से जाओगे तो भी वो प्रेम में वहां परिवर्तित हो जाएगा ये भगवान की विशेषता है कामाद गोपिया जहां लिखा है तो गोपिया तो शुद्ध प्रेम की भावना है कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम है प्रेम ही प्रेम है उसके पास आप किसी भी भाव से जाओ प्रेम जागृत हो जाएगा अरे चोर चोरी करने के लिए गया उसके आभूषण उतारने के लिए उसको भी प्रेम हो गया तो कृष्ण तो है ही आकर्षण कैसे भी जाओ उसके पास तो निश्चित रूप से वो आपको पकड़ लेगा और ऐसे कुब्जा को पकड़ लिया तो अच्छा ही किया वैसे आपने सिद्धांत में देखा कि वो पृथ्वी थी जो टेढ़ी हो गई थी भगवान ने उसको सीधा किया तो सत्य भामा तो भगवान से प्रेम करने वाली है ही उसी का अंश है तो भगवान से प्रेम करे इसमें दोष कौन सा हो गया सत्य भामा का अगर अंश है जो भूदेवी है और ये उसका अंश है तो सत्य भामा तो भगवान की पत्नी है विवाहित तो उसका अंश है भगवान से प्रेम करे तो इसमें कौन सी आपत्ति है तो उसका अधिकार है हरे कृष्ण हरे कृष्ण ग्रंथला श्रीमद भागवतम की जगत गुरु श्रीलम निताई गौर प्रेमानंदे हित करे सार्वभौम प्रभु हित करे सार्वभौम प्रभु की साधु 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 सार्वभौम प्रभु का तुला बहुत <laughs> सब के सब धारे और सब लोग ये वहाँ पर उनका तुलाभार करने के लिए आर्थिक सहयोग करिए हरे कृष्णा धन्यवाद